और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें इलेक्शन सुपर फास्ट में। रेवड़ी कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। नियुक्त चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यह बैठक हुई है। 3 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, नवंबर दिसंबर में चुनाव संभव। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हो सकता है मतदान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-1 चरण में मतदान संभव। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एससी एसटी और ओबीसी को दिया आरक्षण, सभी मंत्रालय और विभागों को जारी किया निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेलंगाना का दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा दुनिया में भारत का कद बढ़ा, हमने 5 राज्यों के अंदर 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा में शामिल हुए, कटनी में सरकार की योजनाओं की देंगे लोगों को जानकारी। एनसीपी सिंबल पर आज सुनवाई करेगा इलेक्शन कमीशन, शरद और अजय दोनों गुटों को बुलाया गया। एनसीपी सिंबल मामले में सुनवाई से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक, देश की ताजा राजनीति पर चर्चा। मीटिंग में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद। इलेक्शन कमीशन की सुनवाई से पहले बोले शरद पवार, चुनाव चिन्ह बदलने से नहीं बदलता इरादा, मैंने कई चिन्हों पर लड़ा है चुनाव। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा आपके लिए भ्रष्टाचार आम बात, आपका किरदार तार तार, भ्रष्टाचार में आपके कई नेता जेल पहुंच गए। 5 राज्यों में चुनाव से पहले किसानों पर फोकस, किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपए करने की तैयारी में केंद्र, इसी महीने प्रस्ताव संभव। मध्य प्रदेश में कल से लागू हो सकती है आचार संहिता, चुनाव आयोग की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की कल बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा, कई बड़े नेता बैठक में शामिल। 200 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर संभव, 14 अक्टूबर के बाद उम्मीदवारों के नाम पर हो सकता है घोषणा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, हरियाणा की लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे, 616 करोड़ 99 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, पर्यटन से जुड़े 3 विकास कार्यों की सौगात दी। एमपी में लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात, 450 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, सीएम ने खातों में ट्रांसफर किए 219 करोड़ रुपए। रायपुर में बीजेपी ने लॉन्च किया भूपे क्यूआर कोड, अनुराग ठाकुर बोले इसमें भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार की लिस्ट, माफिया राज से माफी चाहती है जनता। प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा, पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल हुई, कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। कांकेर के गोविंदपुर मैदान में जनसभा को किया संबोधित, सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे, जनता की सेवा करने का वादा किया। तेलंगाना को सीएम केसीआर की बड़ी सौगात, सरकारी स्कूल में शुरू की सीएम ब्रेकफास्ट योजना, वारंगल में कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपे चेक। सीएम अशोक गहलोत की जयपुर को बड़ी सौगात, 3 नए मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम गहलोत ने फिर से खेला छूट वाला दाव, महिलाओं को महज 10% देना होगा रोडवेज में किराया, गिग वर्कर्स के लिए भी 5,000 रुपए की सहायता की घोषणा। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान को मिले 3 नए जिले, सीएम गहलोत ने इसकी घोषणा की, मालपुरा सुजानगढ़ को बनाया जाएगा नया जिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक, 9 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक, राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर के चर्चा। शरद पवार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, इंडिया गठबंधन को सुझाया गया सूत्र, लोकसभा चुनाव में 7 लड़े सहयोगी दल, राज्यों के चुनाव में अलग अलग लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को बताया मजबूत, बोले छत्तीसगढ़ में पार्टी के पक्ष में बन रहा है माहौल। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर तंज, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, विपक्ष के खिलाफ करती है ईडी का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एमपी का दौरा, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का किया शिलान्यास, ग्वालियर को दी करोड़ों की सौगात। पीएम की लाल डायरी के रुक पर सीएम गहलोत का पलटवार, बोले ये पूरी तरीके से बीजेपी का षड्यंत्र, राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश।
सीएम गहलोत ने बीजेपी पर राजेंद्र गुड़ा को मोहरा बनाने का लगाया गंभीर आरोप, कहा लाल डायरी नाम बीजेपी नेताओं ने दिया, अब बीजेपी लाल डायरी मार्केट में क्यों नहीं ला रही। सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा धर्म जाति मंदिर मस्जिद के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश, हमें ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी समझ चुकी है कि उनकी नीतियां पूरी तरीके से विफल, जनता इस बार परिवार और बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए करेगी वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा, 10 अक्टूबर को जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी गुजरात कांग्रेस, बीजेपी और आपके नेताओं की कांग्रेस में वापसी का दावा। यूपी में बीजेपी ने बनाई मायावती को घेरने की रणनीति, 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का दलित सम्मेलन, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक में प्लान तय। दलितों को साधने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगी अलग अलग सम्मेलन, वेस्ट यूपी में 15 अक्टूबर को बीजेपी का दलित सम्मेलन, वाराणसी में 26 अक्टूबर को होगा दलित सम्मेलन। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी को 33% आरक्षण की सिफारिश मंजूर की गई।